बच्चों को पृथ्वी लोग भेजिए, तब तक मैं महाविनाश को संभालता हूँ। चलिए 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 रिवाना। बच्चों फटाफट झूले पर चढ़ जाओ, चार चार कर जाओ। मेरी गोराव मेरी गोराव। फिर बात इस पड़पोली महाविनाशनी की, अब है जान बचानी तो भाग ले यहाँ से दबा दबा। बालवीर महाविनाशनी पर महाशक्तिशाली वज्र से हमला करो, ये वज्र इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। रानी रिवाना, राजा हरुण, महाविनाशनी बहुत चालाक है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये वज्र मुझसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वो इस वज्र तक कभी ना पहुंच पाए। एक तरीका है बालवीर, अगर इस वज्र को उसी जगह पर पहुंचा दिया जाए जहां से ये निकला है, महाविनाशनी इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगी। बच्चों तुम लोग सब ठीक तो हो ना? हाँ सर, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। बालवीर ने हमें सही टाइम पर आके बचा लिया। That's great. लेकिन बालवीर कहाँ है? वो नहीं आया तुम लोगों के साथ? रानी परी, हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर बालवीर है कहाँ। जी रानी परी, बालवीर पृथ्वीलोक के बच्चों के साथ क्यों नहीं है? कहीं बालवीर किसी मुसीबत में ना पड़ गए हो? नहीं परियो, बालवीर मुसीबत में फंसने वालों में से नहीं है, बल्कि बालवीर तो वो योद्धा है जो लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने और बुराई के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए जाने जाते हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा बालवीर को। बालवीर बहुत ही जल्द बुराई का अंत करके हमारे सामने होगा। तुम्हें बहुत ही एहतियात के साथ इस वज्र को इसकी सही जगह पर पहुंचाना होगा, अगर जरा सी भी चूक हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन राजा हरुण, यहाँ पर तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो फिर ये द्वार बंद कैसे होगा? सूरज की किरणों की दिशा को बदलने से। अगर तुम किसी तरह सूरज की किरणों की दिशा को बदल कर पैरों के उन निशानों के ऊपर ले आओ तो ये द्वार अपने आप बंद होने लग जाए। We'll be right back.
दर्शन इस महाशक्तिशाली वज्र के, क्योंकि कर सकते हो अब आप हासिल सिर्फ इसे अपने सपने में ही। बालवीर, ये महाशक्तिशाली वज्र वापस नहीं जा सकता, ये मेरा है। बालवीर, अगर उस वज्र को उल्टा कर दिया जाए तो वो तुरंत जमीन के अंदर चला जाएगा और एक ही पल में नष्ट हो जाएगा। राजा अरुण, आप सीवड़ा के साथ जल्दी यहां से जाइए। ठीक तो हो ना बालवीर? हाँ, मैं ठीक हूँ। बालवीर, तुमने कोपानुका में आकर हमारी बेटी सियोना की जान बचाई। शुक्रिया बालवीर। मैं, राजा हारून और रानी रिवाना तुम्हारे बहुत ही शुक्रगुजार। जाओ, अब जाकर उस झूले में बैठ जाओ। वेरी गोरा बालवीर, आज तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे हमारे साथ, इसलिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बालवीर। मैं आप सबका धन्यवाद तभी स्वीकार करूंगा जब सारे बच्चे मुझसे वादा करेंगे कि आज के बाद वो किसी भी मुफ्त वस्तु की लालच में नहीं आएंगे और अनजान व्यक्ति से हमेशा सावधान रहेंगे। गई थी बड़ी शान से वज्र को हासिल करने, आ गई मुंह लटका के। बालवीर, जब तक मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। जो सर ने आर्ट और क्राफ्ट का होमवर्क दिया था ना, वो मैं करना भूल गया। उसमें कौन सी नई बात है मोंटू बॉस? कभी आप होमवर्क भूल जाते हो, कभी आपको होमवर्क याद नहीं रहता। चुप रह गधे। सर ने हमें कहा है किसी भी नॉन लिविंग या लिविंग चीज का स्केच बना के लाना है जो अपने आसपास हो, पर तुझे तो पता है ड्रॉइंग में मेरे हाथ ऊपर है। मैं आज तक एक मैंगो का स्केच नहीं बना पाया। रोहित, तू मेरे लिए एक स्केच बना देना। बैं, वो भी स्केच? अरे मैं तो आज तक एक लाइन भी सीधे नहीं खींच सका। अगर एक लाइन खींचने जाता हूँ ना तो लहर बन जाती है। मोंटू बॉस, मिल गए आपके असाइनमेंट पूरे करने वाले बकरे। मानव मेहर, इधर आओ।
मोंटू बॉस को तुमसे कुछ काम है। तुम दोनों को मेरा क्राफ्ट और आर्ट का होमवर्क कंप्लीट करना है और मेरा भी। ए मोंटू, जबान संभाल के बात कर नहीं तो पीट दूंगी। अरे मेहर, मोंटू जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो कर देते हैं ना। मानव लेकिन, अरे लेकिन लेकिन छोड़, मैं कह रहा हूँ ना कर देते हैं। मोंटू रोहित, मैं तुम दोनों का स्केच बना दूंगा तो फिर तुम दोनों का असाइनमेंट एक साथ पूरा हो जाएगा, है ना? लेकिन उसके लिए मोंटू जी आपको और रोहित तुम दोनों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और कोई अच्छा सा पोज देना होगा तो मैं बनाऊंगा, ठीक है? आइए। नहीं मोंटू जी, अच्छा नहीं लग रहा। मोंटू जी थोड़ा अच्छा पोज बनाइए। एक काम कीजिए, आप रोहित के पीठ पे चढ़ के पोज बनाइए, एकदम बेस्ट पोज। वाह मानव, वाह, क्या ग्रेट आइडिया। पानी? पानी नहीं, चुल्लू पर पानी, ताकि डूब सको तुम इस चुल्लू पर पानी में। तोबा तोबा, चिल्लाओ बात, क्या आता चिल्लाना मुझे भी। नाम की शातिर परी हो तुम, नाम की शातिर परी। अरे नहीं दिला पाई एक बार भी चित महाविनाशनी को अपने शातिरपन से। मैं तो कहता कि करो अपना ये व्यर्थ जीवन और डूब मरो इस चुल्लू पर पानी में। सही कहा तुमने, व्यर्थ जीवन को समाप्त करना ही बेहतर है। और तुम्हें पता है सबसे व्यर्थ जीवन किसका है? तुम्हारा और किसका? अरे नहीं बेबगो, तुम्हारा। शादी परे कर रहा था मैं तो बता, समय बिताने के लिए। बेवकूफ, समय बिताना है तो जाओ जाके कहीं बुराई करो, परेशान करो किसी को, सताओ किसी को। बिना जादू के? है तुम्हारे पास तो तरह तरह के जादू, इसलिए हो करती तुम तो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मेरा क्या करूं मैं किसी को कैसे परेशान सताऊं कैसे मैं किसी को। अगर हो चाहती तुम के करूं मैं भी कोई बुरे काम तो देती क्यों नहीं मुझे कोई एक बढ़िया सा जादू। बोलो बोलो बोलो, हो गई ना तुम्हारी बोलती बंद। ये लो दोबा दोबा। है ये श्वेत जादुई कंकर है तो बताओ। जब तुम इनमें से एक कंकर किसी चीज या किसी इंसान पर फूकोगे तो वो बिल्कुल वैसे ही करने लगेगी जैसे तुम चाहो, लेकिन कंकर फूकने से पहले। वाह शातिर परी, वाह, हो नहीं तुम उतनी भी निकम्मी जितनी देती हो दिखाई। क्या अब देखना, इन जादुई पत्थरों की मदद से फैला दूंगा मैं पृथ्वी लोक के विद्यालयों में भूत का डर और अज्ञान का अंधेरा। फिर भूत के डर से हो जाएंगे पृथ्वी लोक के सारे विद्यालय बंद और बिना पढ़ाई के रह जाएंगे सारे बच्चे नालायक, हो जाएंगी उनकी अच्छाइयां कम और फिर फूलेगी फलेगी बुराई मेरी और होगी मेरी बुराई की शुरुआत मानव मेहर के विद्यालय से।
नहीं करो, छोड़ दो मोंटू बॉस और रोहित बॉबी के जैसा क्यों हाँप रहा है? लगता है कोई इनका खूब परेड करवा रहा है। अभी देखते हैं। ए मोंटू बॉस, है मोंटू बॉस, रोहित है, ये देखो आपके सामने आपका बेस्ट फ्रेंड चित्रंजन दास पोनरंजन दास चटर्जी उर्फ सीढ़ी खड़ा है। सीढ़ी उठो, हम अभी आपको उठाता है। क्या करता है चित्तो? क्या मुंडू बॉस, हम थोड़ा इधर उधर क्या हो गया आपका, इतना बुरा हालत कर दिया? हमको बोलो कौन है वो जिसने आपका ये बुरा हालत कर दिया? हम उसको छोड़ेगा नहीं। ये उन पिद्दी मानो मैंने किया, उन दोनों ने मुझे उल्लू बनाया। चित्तो चल, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। चल चल। अरे मुंडू बॉस, चित्तो इधर आ। हाँ बोल। देख मोंटू बॉस को तो अक्ल नहीं है, लेकिन तेरी अक्ल को क्या हो गया? अरे देख, ये स्कूल टाइम, और स्कूल टाइम पे उन पिद्दियों से पंगा लेना मतलब प्रिंसिपल कैबिन में जाके हमारी वाट लगाना। क्या खुशबूसू कर रहे थे तुम लोग? मोंटू बॉस ऐसे ही बोलता है, जैसे रुका हुआ घड़ी दिन में दो बार सही टाइम बताता है, वैसे ये रोहित भी 100 बेकार बातों में एक बार सही बोल जाता है। मोंटू बॉस, अभी स्कूल टाइम में पिद्दी लोग से पंगा नहीं लेगा। हाँ, ये स्कूल सोते ही क्यों है? अगर मेरा बस चले ना, मैं मेरी पापा की स्कूल बंद करवा दूँ। अरे पापा की क्या, इस दुनिया के सारे स्कूल बंद करवा दूँ, और फिर जब चाहे तब उन पिद्दियों की वाट लगाऊं, उनकी ढेर सारी पिटाई करूँ। वाह मोंटू बॉस, आपने तो हमारा मुकाबला छीन लिया। हम तो खुद आपको ये सारा स्कूल बंद करवाने का आइडिया देने वाला था। हमारे पास एक तो जबरदस्त चीज है जिससे आप सारा स्कूल बंद करवा सकता है। ये देखो। ये देखो। जबरदस्त चीज।